नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन ताकि आपको मिल सके वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों, ये रहा रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 500X विद डुअल चैनल ABS। जी हाँ दोस्तों, 2019 मॉडल ये है, बहुत ही कुछ ही दिन पहले ये लॉन्च हुआ है एंड इसमें डुअल चैनल ABS अब के लिए आ रहा है और यही जो मॉडल है यही कंटिन्यू होता रहेगा क्योंकि ABS हर एक बाइक में 125cc अबव सेगमेंट के जो बाइक्स है हर एक बाइक में कंपलसरी हो चुका है। तो दोस्तों, इसमें डुअल चैनल ABS है जो कि आपको एक एडेड सेफ्टी दे देता है रादर देन सिंगल चैनल ABS। अब डुअल चैनल ABS यही होता है कि आपका जो ABS सेंसर है वो दोनों ही व्हील में काम करता है। और दोस्तों, इसका जो एक्स्ट्रा रूम प्राइस था उससे लगभग 14,000 रुपये का डिफरेंस आपको ABS में मिलेगा। ABS जो है ABS वेरिएंट डुअल चैनल ABS वो 14,000 रुपीस आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आप खुद देख सकते हो दोस्तों, स्टॉकर के ऊपर ABS का जो ब्रांडिंग है वो दिया गया है एंड पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी सेंसर बना हुआ है और ये जो ABS है ये दोनों ही व्हील में काम करेगा। आपको मैं दोस्तों दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए दोस्तों, छोटे छोटे फिन्स जो बना हुआ है यही ABS का सेंसर है। अब दोस्तों, थंडरबर्ड जो बाइक है और इसका जो एक्स वेरिएंट है, एक्स वेरिएंट निकाला गया था तो फैंस का बहुत दिनों से रिक्वेस्ट था कि इसमें ट्यूबलेस टायर्स दे दिया जाए और जो स्टाइलिश अलॉय व्हील्स है वो दे दिया जाए एंड कुछ कलर्स एंड ग्राफिक्स का भी अपडेट कर दिया जाए। तो इस बात को सुन के रॉयल इनफील्ड ने जो एक्स फैक्टर दे के इस बाइक को निकाला है एंड एक टूरिंग मशीन ये है कम्प्लीटली थंडरबर्ड जैसे हमेशा से होता है। एंड अगर आप सामने से देखें दोस्तों तो टोटल तीन एलिमेंट्स इसका हेडलैम्प पे यूज हुआ है। आप देख सकते हैं एक प्रोजेक्टर सेटअप इसमें दिया है, एक LED जो रिंग है उसका सेटअप दिया है एंड पीछे बल्ब्स का सेटअप दिया है। तो टोटल तीन एलिमेंट्स इसमें यूज किया है जो कि इसका जो विजिबिलिटी है वो नाइट टाइम में बहुत ही बढ़िया कर देता है रोड्स पर। आप खुद देख सकते हैं कि दिन में ये ऐसा दिखता है एंड एक बहुत ही स्टाइलिश लुक के साथ ये बाइक जो पहले जैसा जो हेडलैम्प था वही इसमें दिया गया है। इंडिकेटर्स आप देख सकते हो दोस्तों, रेट्रो लुकिंग इसमें इंडिकेटर्स है और बहुत सारा जो क्रोम एलिमेंट्स नॉर्मल थंडरबर्ड में यूज होता था इसमें बहुत ही कम क्रोम एलिमेंट्स यूज होता है जिससे कि आपका जो रस्टिंग का प्रॉब्लम है वो काफ़ी कम आता है। हमेशा से ही ये एक टूरिंग मशीन है, टूर में जाने के लिए एक बहुत ही अच्छा मशीन एनफील्ड को माना जाता है। लेह लद्दाख ट्रिप के लिए भी बहुत ही खास मशीन ये है। अब अगर दोस्तों हम इसका हैंडल बार्स को देखें तो हैंडल बार में क्रोम प्लेटेड वेट्स आपको मिल जाएगा। एल्यूमिनियम प्लेटेड जो इसका गियर एंड ब्रेक, इसका क्लच और ब्रेक लीवर है वो आपको मिल जाएगा एंड बहुत ही जगह पर रॉयल एनफील्ड का जो एम्ब्लेम है वो बहुत ही एक उम्दा फिनिश में आपको मिल जाएगा जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा एडिशन है, एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी मेंटेन है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। इंडिकेटर्स आपको क्लासिक स्टाइल के गोल इंडिकेटर्स मिलेंगे एंड जो स्विच गियर क्वालिटी है वो भी डिसेंट एक स्विच गियर क्वालिटी रॉयल एनफील्ड ने इसमें दिया है। अब दोस्तों हम अगर इसके मीटर्स की बात करें तो मीटर में आपको डिजिटल एनालॉग कॉम्बाइंड मीटर कंसोल मिलेगा, आपको लेफ्ट की तरफ स्पीडोमीटर एंड राइट की तरफ जो RPM इंडिकेटर है वो मिल जाएगा। अब अगर हम दोस्तों इसका डिजिटल पोर्शन में देखें तो यहाँ पे आपको टोटल किलोमीटर्स आपका जो टाइम वो मिल जाएगा, आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा, ट्रिप ए ट्रिप बी यानी कि दो ट्रिप मीटर्स मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट कंसोल बाइक में दिया गया है। हो अच्छा होता कि अगर इसमें गियर इंडिकेटर भी हो जाता तो अगेन इसमें बेटर होता। बाकी जो भी इंडिकेटर्स इसमें हैं जैसे कि इसका जो बैटरी इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर, सब कुछ इसमें राइट की तरफ दिया गया है। अब दोस्तों हम अगर इसका बाकी जो लुक्स है इसके बारे में बात करें तो बहुत ही बड़ा एक टैंक इसमें दिया गया है 20 लीटर्स का। रॉयल इनफील्ड का जो 3D लोगो साइड में एक अलग सा ग्राफिक्स में 500X लिखा हुआ साइड पैनल में आपको मिल जाएगा। सीट्स भी रीडिजाइन सीट्स है नॉर्मल जो थंडरबर्ड है उसके मुकाबले और पीछे आप देख सकते हैं दोस्तों जो टेल सेटअप है वो बिल्कुल अनचेंज रखा गया है। आपको 5 LED स्ट्रिप्स मिल जाता है पीछे देखने के लिए एंड बहुत ही एक सुंदर दिखता है रात को एंड जो ग्रैब हैंडल्स है वो भी देखने में बहुत ही खास है। लाइट्स का विजिबिलिटी बहुत ही अच्छा है एंड इसका जो सीट्स है वो भी स्टाइलिश सीट्स है, आप अलग से इसमें एक बैकरेस्ट भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम अगर इसका इंजन की बात करें तो इसमें एक सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड ट्विन स्पार्क फुल इंजेक्टेड 499cc का इंजन है जिसका मैक्सिमम पावर है 27.2 BHP एंड टॉर्क है 41.3 न्यूटन मीटर्स।
ट्विन स्पार्क यानी कि दो स्पार्क प्लग्स इसमें यूज होता है, जो कि आपको अगेन परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छा माइलेज भी दे देता है, क्योंकि आपका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो अच्छा रहता है। अब इसमें एक बहुत अच्छा बात यह है कि FI देने के साथ साथ ये आपको किक भी दे रहा है, ताकि आपको कोई भी कोल्ड स्टार्टिंग का इशू जो है वो बिल्कुल ना आए। एक चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगा कि इसमें 5 गियर्स है, तो 500cc का बाइक है, टूरिंग मशीन है, तो मेरे ख्याल से अगर 6 गियर्स दे दिया होता कंपनी ने तो बहुत ही बेटर हो जाता। फुट पेग्स भी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है एंड इसमें रिम स्टिकर्स का यूज़ किया गया है विथ स्टाइलिश अलॉय व्हील्स, जो कि अगेन आपको एक बहुत ही अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस दे देता है एंड जो स्टाइलिंग है वो भी बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों अगर सस्पेंशन की बात करें तो सामने आपको 41mm थिक टेलीस्कोपिक फॉक्स मिल जाता है एंड पीछे ट्विन गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्बर्स जिसको आप 5 बार एडजस्ट कर सकते हैं वो मिल जाता है। क्रोम प्लेटेड इसका जो स्प्रिंग वो आपको मिल जाएगा, जो कि अगेन आपको एक नियो क्लासिक टच इस बाइक में दे देता है। और दोस्तों अगर हम ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स आपको सामने 280mm का 2-piston कैलिपर वाला डिस्क एंड पीछे 240mm का डिस्क मिल जाता है, जो कि आपको अगेन ABS के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस दे देता है। टायर्स की अगर दोस्तों बात करें तो ट्यूबलेस टायर्स है, सामने आपको 90x90 19 inches का एंड पीछे 120x80 18 inches का MRF की ट्यूबलेस टायर्स इसमें मिल जाता है, जो कि अगेन आपको एक बहुत ही अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस देने में कामयाब रहता है। और इसका दोस्तों अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो थोड़ा सा कम है, 135mm है, जो कि बड़े से बड़े स्पीड ब्रेकर्स जो है उसको टैकल करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। कर्ब वेट इज ऑन द हायर साइड, 195 kgs है, जो कि थोड़ा सा आपको जो जैसे जब बाइक आइडल कंडीशन में रहेगा तब थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे बाइक का मोशन मिल जाएगा ये आपको स्टेबिलिटी देने में बहुत ही मदद करता है। फ्यूल टैंक दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया 20 लीटर्स का एंड इसका जो माइलेज है वो आपको सिटी एंड हाईवे मिला के 30 से लेकर 35 किलोमीटर्स के बीच मिल सकता है। माइलेज डिपेंड करता है कि आप कैसे बाइक को मेंटेन करते हो, किस तरह से आप बाइक को चलाते हो, आपका राइडिंग स्टाइल एंड राइडिंग कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। ऑन रोड प्राइस जो अभी कोलकाता में है जब मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ वो 2.55 लाख यानी कि 2,55,000 का है। अब ये तो चेंज होता रहता है, आप अपने नियरेस्ट डीलर से ज़रूर बात कीजिए अगर आपको जो ऑन रोड प्राइस है वो जानना है। तो दोस्तों यही था मेरा एक छोटा सा रिव्यू, और बाकी जो सारे रॉयल एनफील्ड के बाइक्स सारे ABS के साथ साथ अगर आप उसका भी रिव्यू देखना चाहोगे तो आप ज़रूर एक बार मुझे कॉमेंट बताइए। एंड इसका जो स्पीड है दोस्तों टॉप स्पीड वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अराउंड 120 से लेकर 130 किलोमीटर्स के बीच है, लेकिन आप इसको 100 से ऊपर ना ले जाए तो आपको ये अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा। थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।